गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आईएएस अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए मांगने का मामला पेश हुआ है। मामले को लेकर सेक्टर 50 थाने में केस दर्ज कराया गया, तो वहीं अब एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहे मामले को सेटल करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए एक सीनियर आईएएस अधिकारी से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएएस अधिकारी से ही 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। तो गुरुग्राम से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आईएएस अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई है, 5 करोड़ रुपए मांगे गए मामले को सेटल डाउन कराने के लिए। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सेक्टर 50 में थाने में मामला दर्ज कराया गया है, एफआईआर करा दी गई है। मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस बात पर भी नजर रहेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहे मामले को सेटल डाउन कराने की अवज में 5 करोड़ रुपए मांगे गए एक आईएएस अधिकारी से। अमूमन मामले सामने आते हैं किसी आम आदमी से रिश्वत मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है, तो इस मामले को लेकर आईएएस अनीता यादव ने भी अब खबरें अभी तक से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। कोई एसीबी में केस चल रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये है कि किसी का फोन आया, उसने कहा कि जी मैं आपका मामला ऐसा है कि सेटल करा सकता हूँ, मेरे को ऊपर से आदेश हुए हैं। अच्छा, और आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए कि ये है कि पूरा मामला मैं आपको ऐसा कि आउट ऑफ लिस्ट करा सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं तो ऑन मेरिट ही ऐसा है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं बनता, मामला तो वैसे ही सेटल होगा। अच्छा, तो उसने कहा कि वैसे तो सेटल नहीं होगा बिना ऐसा है कि, तो मैंने कहा कि कैसे होगा, तो उसने कहा कि 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा कि ना मेरा कोई इसमें रोल, ना मैंने किसी से लिए और ना मैं किसी को दूं। तो उसने कहा कि ये आपकी आखिरी बात है। मैंने कहा कि बिल्कुल आखिरी बात है। तो उसने कहा कि लेकिन आप ये है कि आप सीनियर अधिकारी हो, मेरे बारे में अपने सीनियर अधिकारियों से पूछ लेना, सब मेरे बारे में जानते हैं और ये ऊपर से ही आदेश हुए हैं, आप निकल नहीं पाओगी अगर आपने ऐसा है कि नहीं ये किया, आपको ऐसा कि मेरी जरूरत पड़ेगी ही। मैंने उसका फोन काट दिया और ये, और मैंने तुरंत ये है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया। तो सुना आपने आईएएस अनीता यादव ने अपनी बात रखी खबरें अभी तक पर कि किस तरह से 5 करोड़ रुपए मांगे गए एक मामले को सेटल डाउन करने के लिए। आईएएस अनीता यादव से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है एक आईएएस अधिकारी, मामला बड़ा है, खबर बड़ी है। 5 करोड़ रुपए की मांग एक आईएएस अधिकारी से की गई, पुलिस में शिकायत दी गई है और पुलिस में दी गई शिकायत में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस में दी शिकायत में किसी राजनेता का भी जिक्र किया गया है कि किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आदेश हुआ है कि 5 करोड़ रुपए आईएएस अनीता यादव से मांगे जाएं। ये बात भी अनीता यादव ने बातचीत में कही है कि ऊपर से आदेश हुए हैं कि आपसे 5 करोड़ रुपए मांगे जाएं। आईएएस अनीता यादव ने शिकायत में कई बातें बताई। 3 मार्च के बाद 4 मार्च को फिर फोन किया गया, एक बार फिर से एक मामले को सेटल करवाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए मांगे गए आईएएस अधिकारी से। अमूमन यह देखने को मिलता है कि आम आदमी से रंगदारी मांगी जाती है, लेकिन यहां पर मामला उलट है, एक अधिकारी से, और छोटा मोटा अधिकारी नहीं, एक आईएएस अधिकारी, एक सीनियर अधिकारी, 5 करोड़ रुपए मांगे गए एक मामले को सेटल डाउन कराने के लिए। और फोन पर बात कही गई कि किसी पॉलिटिशियन की तरफ से यह बात कही गई है कि 5 करोड़ रुपए आईएएस से मांगे जाएं। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ पुलिस आगे कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस में केस जा चुका है, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, अब इस पर अहम नजर बनी रहेगी। तो जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चंडीगढ़ से, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र, देखिए, एक आईएएस अधिकारी से 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं एक मामले को सेटल डाउन कराने के लिए, और जो बातचीत की खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव अनीता यादव ने, उसमें उन्होंने कहा कि किसी पॉलिटिशियन की तरफ से कॉल आया था उस ऋषि नाम के व्यक्ति को, और
पॉलिटिशियन की तरफ से दबाव भी बनाया गया, आदेश भी हुआ कि 5 करोड़ रुपए अनीता यादव से मांगे जाएं ताकि उनका नाम इस मामले से हटाया जा सके। इसे कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि पॉलिटिशियन का जिक्र हो रहा है किसी का, और हरियाणा के पॉलिटिशियन और साथ ही ब्यूरोक्रेसी का जिक्र है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, सबसे पहले खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है कैसे। ऋषि नाम के इस ठग की तरफ से जो कॉल की गई है, उस कॉल को आखिर किया क्यों गया? दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से अनीता यादव को एक मामले के अंदर आरोपी बनाया गया है। ये मामला है फरीदाबाद के 200 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार सामने आया था, उस मामले में लिप्त होने की बात जो है वो कही जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इसमें जांच की जा रही है। इस जांच में और भी आईएएस अधिकारियों के नाम जो हैं वो शामिल हैं, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं इस ठग की तरफ से ये कॉल आईएएस अनीता यादव को की गई थी। अनीता यादव का ये भी कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो जांच हो रही है, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले खबरें अभी तक पर वो खुद अपनी बयान जो है वो देती नज़र आ रही थी, अपनी बात कहती नज़र आ रही थी कि इस एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले के अंदर वो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है और उन्हें वैसे भी क्लीन चिट मिल जानी है, इस तरीके का दावा वो करते हुए नज़र आ रही थी। लेकिन इस ऋषि नाम के ठग की तरफ से 3 मार्च को एक कॉल किया जाता है। ये कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियन है, एक राजनेता है, जिनकी रेफरेंस जिन्होंने कहा है, जिन्होंने इंस्ट्रक्ट उनको किया है। अच्छा। कि वो उनसे बात करें, अनीता यादव से बात करें, और 5 करोड़ रुपए में उनका पूरा मामला जो है सेटल हो जाएगा। आखिर ये पॉलिटिशियन कौन है जिसने इस तरीके से एक रेफरेंस दिया? क्या अनीता यादव को उसका नाम बताया गया था? और इस पॉलिटिशियन की जहाँ तक बात की जाए, बसंत, हमारे पास इस FIR की कॉपी है जिसके अंदर अपनी शिकायत अनीता यादव की तरफ से दी गई है, और पूरा मामला जो है वो विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस मामले के अंदर अगर हम बात करें, एक पॉलिटिशियन का जिक्र किया गया है, और इसके बाद धमकी देने का जिक्र किया गया है, और अनीता यादव की तरफ से ये भी कहा गया है कि दूसरे फ़ोन से उन्होंने इस पूरी कन्वर्सेशन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य हो सकता है जिसमें कई और बातें सामने निकल करके आ सकती है। आखिर इस तरीके का रैकेट क्या कोई राजनेता प्रदेश के अंदर चला रहा है, या फिर इस ठग की तरफ से केवल एक रेफरेंस के तौर पर इस तरीके की कोई बात कही गई है, इसकी तह तक जाना भी कहीं ना कहीं जांच में पुलिस जो है इसको लेकर के ज़रूर काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से 5 करोड़ रुपये मांगे गए ACB के इस पूरे मामले को सेटल कराने को लेकर के, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का जो ग्रोह है वो, और उसके बाद धमकी देने का मामला भी सामने आया है। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप इसका परिणाम भुगतने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहे। तो इस तरीके की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ये कहा जा रहा है ठग की तरफ से कि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो लोग हैं उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, मामला पूरा सेटल करा दिया जाएगा। इस तरीके से तो सेटल नहीं होगा। और इसके बाद जो धमकी भरा जो लहजा है, वो जिस तरीके से FIR में दर्शाया गया है, उस धमकी भरे लहजे को इस्तेमाल किया गया है। तो इस पूरे मामले की तह तक जाना जो है, जो भी इसको लेकर के जांच हो रही है पुलिसकर्मियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में कई और परतें भी सामने निकल करके आ सकती है अगर इस FIR में दी गई शिकायत के आधार को भी देखा जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर बाहर निकल करके आती है, पॉलिटिशियन का नाम बाहर निकल करके आता है, तो कई और तथ्य भी सामने निकल करके आ सकते हैं। जी ठीक है, जितेंद्र चौधरी, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपनी जानकारी आपसे अपडेट आपसे लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।